हेलो एवरीवन, आज आप सीखेंगे कि हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करें। मैं आपको आज बताऊंगी क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन। बट सेकंड क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाना चाहूंगी, बताऊंगी रीजन क्या है इसका। हमारे पास दो नंबर हैं 24 और 36। हमें 24 और 36 का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो मैंने आपको कल भी बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले हम 24 के फैक्टर्स करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। आपको पता है लास्ट डिजिट 4 है, इवन है, 2 से डिविजिबल है, तो आपके पास आ जाएगा 12। फिर आप 2 से डिवाइड करिए, आपके पास आ जाएगा 6। 6 भी इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 3। एंड 2 के बाद अगला प्राइम नंबर है 3, तो 3 बन जा 3। हमें तब तक करना है जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3। ओके बच्चों, अब हम निकालेंगे 36 के प्राइम फैक्टर्स। तो आप 36 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, लास्ट डिजिट इवन है, 2 से डिविजिबल होगा, तो आप 2 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आएगा 18। 18 के लास्ट डिजिट 8 भी इवन है, आप 2 से डिवाइड करेंगे 9। अब 9 2 से डिविजिबल नहीं है तो आप अगला नंबर लेंगे 3, तो 3 × 3 = 9। और हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3। बच्चों ये मैं फैक्टर्स रिमूव कर रही हूँ। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको सिखाया था, तो मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके बता दिया। बट मीनिंग क्या है एलसीएम का और एचसीएफ का? हमने इन दो नंबर्स के प्राइम फैक्टर निकाले, पर हमें मीनिंग तो पता होना चाहिए। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मीन्स छोटे से छोटा मल्टीपल जो इन दोनों नंबर की टेबल में आए। ओके, एंड एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा फैक्टर। तो उस फैक्टर की टेबल में ये दोनों नंबर आएंगे। एक बार मैं आपको दोबारा बता रही हूं, एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटी वो संख्या जो इन दो नंबर की टेबल पे आए। ओके, दो की जगह 3 नंबर भी हो सकते हैं बच्चों। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, और उस कॉमन फैक्टर की टेबल में ये दो नंबर आए। ओके, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी एलसीएम करना। एलसीएम में आपने सबसे बड़ी पावर लेनी है, ठीक है, 2 की पावर 3 और 3, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। इसमें 2 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है इन दोनों कंबिनेशन में, 24 के फैक्टराइजेशन में और 36 के फैक्टराइजेशन में, तो सबसे बड़ी पावर है 2 की पावर 3। ओके बच्चों, और 3 की बड़ी पावर इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो क्या आएगी, 3 की पावर 2। तो हम यहां लिखेंगे 3 की पावर 2। 2 की पावर 3 का मींस 8 एंड 3 पावर 2 का मींस 9, आपके पास आ गया 72। ओके, अब आप निकालेंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। जैसे आप ध्यान से देखिए, इन दोनों नंबर में 2 कॉमन है, दोनों में है, तो एक बार आप 2 लिख लीजिए। ये 2 कॉमन है तो आप दोबारा से फिर 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये 3 और ये 3 दोनों में कॉमन है, तो एक बार आ जाएगा आपका 3, और आपका एचसीएफ आ जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। HCF और LCM का मीनिंग समझ आ गया। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। ओके, 26। सेम आप 26 के प्राइम फैक्टर बनाइए। 2 पे जाएगा, लास्ट डिजिट इवन है, 13 एंड 13 = 13।
तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 13। नेक्स्ट नंबर है बच्चों आपका 91। लास्ट डिजिट इवन नहीं है, 2 पे नहीं जाएगा। 9 एंड 1 टोटल है 10, और 10 3 के टेबल पे डिविजिबल नहीं है, 5 पे भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर है 7, और यहां पे आ जाएगा 13, एंड 13 से डिवाइड करेंगे फिर आ जाएगा 1। तो आप इसको लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई 13। ये आपको मैंने एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि इसमें 2 कई बार रिपीट हो रहा था, इसमें सिंगल बार रिपीट हो रहे हैं, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो तो ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया था। अब आप निकालेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बताया था? एलसीएम के लिए बताया था कि जो हाईएस्ट पावर हो। आप ध्यान से देखिए, 2 हाईएस्ट पावर में 1 ही है बच्चों, एक ही बार है, मींस 2 की पावर 1 अगर पावर नहीं दी हुई तो। 13 की भी मैक्सिमम पावर क्या है? 1, और 7 की भी मैक्सिमम पावर क्या है? 1। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 और 7 टू द 14, 182। आपके पास आपका एलसीएम आ गया 182। अब आपने निकालना है HCF। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या है बच्चों? 13। अब आपका HCF आ गया 13। अब हम एक रूल बताएंगे आपको। जो HCF और LCM को कोरिलेट करता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट से। क्या आपका रूल है आपको याद रखना है? LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहां आपका LCM क्या आया बच्चों? 182, और यहां पे HCF आपका क्या है? 13। दो नंबर कौन से हैं आपके? 26 एंड 91। इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। हम आपको करके दिखाते हैं। 182 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 टू जा 6 एंड 182 आपका आ गया 2366। ओके, अब इसको चेक करते हैं। 91 को 26 से मल्टीप्लाई करिए, 92 ही। और आपके एग्जाम में क्या दिया होगा किसी टाइम कि HCF और LCM और HCF दिया होगा, एक नंबर दिया होगा तो सेकंड नंबर निकालना होगा, तो अलग से आपको फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, इसी में ही आपको इंप्लीमेंट कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूं, हम मान लेते हैं कि HCF नहीं दिया हुआ, हमें HCF निकालना है। ओके, और प्रोडक्ट है 2691, और फिर आप क्या करेंगे? HCF निकालने के लिए 26 मल्टीप्लाई 91 और इसको डिवाइड कर देंगे 91 टू जा एंड 2 3 जा, तो आपका HCF क्या आ गया बच्चों? 13। तो क्या हो सकता है कि कई बार फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर दिया हो, HCF दिया हो, तो आपको LCM निकालना होगा। कई बार HCF और LCM दिया होगा, वन नंबर दिया होगा और फर्स्ट निकालना होगा, जो वन मिसिंग है वो निकालना होगा, तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है। होप यू विल अंडरस्टूड एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।